हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले। प्यारे बच्चों आज के चैप्टर का नाम है परमाणु तथा नाभिक। और प्यारे बच्चों बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बाकी थ्योरी है और काफी अच्छे नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों वो भी हम बता दे रहे हैं। आज की क्लास में हम थॉमसन का परमाणु मॉडल तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और साथ साथ में प्यारे बच्चों उन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पे नाभिक के आकार का आकलन और कमियां इतनी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे प्यारे बच्चों। और अंत तक आप लोग बने जरूर रहिएगा क्योंकि आज आपके आपके वीडियो में काफी चीजों की आपको जानकारी मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु तथा नाभिक के बारे में सबसे पहले चैप्टर समझेंगे प्यारे बच्चों कि पदार्थ क्या होता है, जो कि आपको बहुत छोटी क्लासों में ही बता दिया गया होगा। पदार्थ होता है कि वह पदार्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे चारों तरफ के घिरा हमारे चारों तरफ का वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं भैया, पदार्थ कहते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं, क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि हमारे चारों तरफ की वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ को ही हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। यानी इसकी जो सबसे पहली हेडिंग हमको समझना था वो था पदार्थ, वो तो आप लोगों के लिए कॉमन वर्ड होता है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है प्यारे बच्चों, वे सभी वस्तुएं जिनमें क्या होती हैं, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिनमें द्रव्यमान हो वह स्थान घेरता हो, वह क्या हो, वह स्थान घेरता हो क्या कहलाता है, वह स्थान घेरता हो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, पदार्थ कहलाता है। अब हमने क्या कहा कि उन्होंने क्या और आगे क्या पता चला प्यारे बच्चों, आगे ये पता चला कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे 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 अति सूक्ष्म अविभाजित कह सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, जिन्हें क्या उन्होंने कहा कि ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पदार्थ होते हैं, ये जो पदार्थ होता है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पदार्थ छोटे छोटे एक अति सूक्ष्म, या हम कह दे डायरेक्टली अगर बात करें एक वर्ड का उपयोग करें तो पदार्थ अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अति सूक्ष्म व अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम विभाजित न कर सके, जिसको हम विभाजित न कर सके वो क्या कहलाता है, अविभाज्य कहलाता है। तो क्या होता है, अति सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, मिलकर बना होता है। बोलिए क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई कि जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों वो अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा 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 एकदम छोटा, और अविभाज्य का मतलब उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इन कणों से मिलकर क्या होता है, बने होते हैं। प्यारे बच्चों कुछ दिनों के बाद जब समय बीता और समय बीतने के बाद कुछ चीजों की खोज हुई तो पता चला कुछ चीजों की, परंतु उससे पहले एक लाइन हमारी और छूट रही है, वो आप ध्यान से समझिएगा कि जिन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ अति सूक्ष्म वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु कहते हैं। तो हम यहाँ ये भी ध्यान देते हैं तो हमारा चैप्टर का पहला नाम पता चल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की अगर परिभाषा क्या होगा, परमाणु वह छोटा से छोटा कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, तो क्या होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये पहले के लोग मानते थे प्यारे बच्चों, ये पहले के लोग मानते थे कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, ध्यान दीजिएगा। अब
परमाणु की। अब जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ध्यान से समझिएगा। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं भैया एटम, क्या कहते हैं? एटम। अब आप सोच रहे होंगे तो सर जी सबने बताया, आप क्या नया बता रहे हो भाई? अब नया बताएंगे, ध्यान। एटम कौन सा वर्ड है जानते हैं? एटम कौन सा वर्ड है? एटम ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, यानी ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब जहां ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, और ये जो टम, टम का मतलब होता है डिविजिबल। क्या होता है प्यारे बच्चों? डिविजिबल या डिवाइड, चाहे जो भी कह सकते हैं आप, तो डिविजिबल इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित। यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इस एटम, यानी ए का मतलब नॉट और टम का मतलब डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित और नॉट का मतलब नहीं। यानी एटम के नाम से ही हम बता सकते हैं कि वह छोटा से छोटा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाता? एटम कहलाता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड होता है प्यारे बच्चों। तो अब आप जितने लोग ये नई जानकारी जाने होंगे वो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या हम आपको इससे पहले पता था या नहीं पता था, तो भी जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं अगली पॉइंट की। अगली पॉइंट की क्या, जब कुछ दिन बीता, बहुत सारे दिन बीत गए, तो कुछ लोगों ने या लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या हो गई? खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, किन कणों की खोज हुई? सबसे पहला कण आया इलेक्ट्रॉन। कौन आया भैया? इलेक्ट्रॉन आया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या आ गया? दूसरा कण आ गया प्रोटॉन। कौन खोज हुआ? प्रोटॉन का खोज हुआ। फिर उसके बाद कौन आया? न्यूट्रॉन आया। जब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो पता चल गया कि जो पहले के लोग मानते थे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु विभाजित नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजों से यह पता चला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजों से यह पता चला कि परमाणु विभाजित होता है। परमाणु को हम इन छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनको अणु कहते हैं। यानी मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि परमाणु भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी अब हम यहां से कह सकते हैं कि अब हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी, वो पॉइंट क्या मिली कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज से यह पता चला कि परमाणु विभाजित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? परमाणु विभाज्य है। पता चला कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्या है? विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है प्यारे बच्चों परमाणु विभाजित होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो पा रही है कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है? विभाज्य होता है। परमाणु भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इनकी खोज किसने किया था भैया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आइए हम उन सबको जानते हैं। इसको, इन सब के खोजकर्ताओं को याद करने के लिए आपको केवल एक ट्रिक याद रखना है प्यारे बच्चों, बस केवल एक ट्रिक ध्यान देना बस। क्या? ईटा पर नाचे। क्या प्यारे बच्चों? ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ठीक। या इसे हम ऐसे लिख सकते ईटा, ठीक, ईटा पर नाचे, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ईटा पर गिर कर नाचे, ऐसे लिखना चाहिए, ईटा पर गिर कर नाचे, ठीक, ईटा पर गिर कर नाचे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ईटा पर गिर कर नाचे, ईटा पर गिरकर नाचे। अब हम समझेंगे यहां से प्यारे बच्चों, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और टी का मतलब होता है थॉमसन। क्या होता है प्यारे बच्चों? जे थॉमसन ना। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि किसने खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था प्यारे बच्चों? थॉमसन ने किया था। चलिए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? फिर उसके बाद प्रोटॉन, पी से आपका क्या होता है? प्रोटॉन, और जी से होता है गोल्डस्टीन। तो प्यारे बच्चों प्रोटॉन की खोज वास्तव में गोल्डस्टीन ने ही किया था।
परंतु गोल्डस्टीन के खोज करने के बाद गोल्डस्टीन का प्रोटॉन की खोज किए और वो प्रोटॉनों की व्याख्या करने में असफल रहे। इसलिए प्यारे बच्चों प्रोटॉन की जो खोज करता है आप लोगों को सभी जगह रदरफोर्ड बताए जाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज वास्तव में किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। अब बाद में इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया इसलिए रदरफोर्ड का नाम दिया जाता। रदरफोर्ड ने उसके बारे में व्याख्या किया था। तो आप ध्यान से देखिएगा कि प्रोटॉन की खोज प्यारे बच्चों गोल्डस्टीन किए थे। फिलहाल आपको बताया जाता है कि रदरफोर्ड ने ही किया था। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था प्यारे बच्चों? रदरफोर्ड ने। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था प्यारे बच्चों? चैडविक। अब कैसे आप याद करेंगे? यहां देखिए, न्यूट्रॉन सी से चैडविक, जी से गोल्डस्टीन होता है, पर अगर यहां आर लगा दे तो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था। इस प्रकार हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद इन सभी को आधार मानते हुए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज होने के बाद परमाणु की संरचना, क्या प्यारे बच्चों? परमाणु की संरचना के बारे में मॉडल प्रस्तुत होने लगे। परमाणु की संरचना के बारे में काफी मॉडल आए प्यारे बच्चों। परमाणु की संरचना के बारे में तमाम प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए। अब हम उन्हीं सभी मॉडलों का बारे में मॉडल प्रस्तुत किए गए क्या प्रस्तुत किए जाने लगे प्यारे बच्चों? मॉडल प्रस्तुत किए गए। अब उन सभी मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहां सबसे पहला आया थॉमसन का मॉडल। किसका मॉडल आया प्यारे बच्चों? थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। किसका मॉडल आया? थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। फिर दूसरी बात कौन आया? रदरफोर्ड आया। कौन आया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। फिर बोहर का परमाणु मॉडल आया। यानी सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद सब लोगों ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया। सभी लोगों ने बताया कि परमाणु ऐसा होता है, परमाणु वैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल और साथ साथ में उनकी कमियों को जानेंगे, क्यों उनका नियम जो है फेल हो गया था। तो आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। ये सब आपकी बेसिक जानकारी के लिए था। अब हम आगे शुरुआत करेंगे। परमाणु होता है, अगर हम उन्हें क्या मान ले, परमाणु एक धनावेशित क्या है? गोला। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए कि परमाणु एक धनावेशित क्या है? गोला है। उन्होंने सबसे पहला अपना मॉडल देने का, पहले मॉडल में सबसे पहला चीज उन्होंने बताया, फर्स्ट पॉइंट, कि आप मान लीजिए परमाणु जो होता है, परमाणु एक क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक कौन सा गोला होता है? धनावेशित गोला होता है। इन्होंने सबसे पहला चीज यही बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। चलो, इतने लोगों ने माना कि भाई परमाणु एक धनावेशित गोला हो। तो जब लोगों ने यह पूछा कि सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं तो प्रोटॉन कहां गए? तो प्रोटॉन को बताने के लिए इन्होंने बता दिया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में या इस धनावेशित गोले में धसे होते हैं। किस धसे होते हैं? उन्होंने अपने दूसरे मॉडल में या दूसरे सिद्धांत में उन्होंने दूसरी लाइन ये बताया प्यारे बच्चों कि जो परमाणु का धनावेशित गोला होता है उस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। यही उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया। तो दूसरा पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि क्या लिख देंगे कि सभी ऋणावेशित जो कण थे वो क्या होते हैं? धनावेशित गोले में धसे होते हैं। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बताया था। तो लिख सकते हैं सभी ऋणावेशित कण धनावेशित गोले में धसे रहते हैं। धनावेशित गोले में धसे रहते हैं। ये दूसरी लाइन उन्होंने बताया। ध्यान से देखिएगा, पहला लाइन उन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। उन्होंने कहा, लोगों को बताया कि भैया आप मान लीजिए परमाणु एक क्या है? धनावेशित गोला है। अब
जो जिसमें जो सभी ऋणावेशित कण है वो क्या है, इसमें धसे हुए हैं। तो सभी ऋणावेशित कण धनावेशित गोले में क्या होते हैं, धसे रहते हैं। उन्होंने ये दूसरा बात बताया। एक चीज उन्होंने और बताया था प्यारे बच्चों, एक चीज उन्होंने ये और बताया, वो चीज हम जानने से पहले एक और छोटी सी बात जान लेते हैं। जब लोगों ने पूछा कि रदरफोर्ड भैया हमको ये नियम आपका समझ में नहीं आ रहा है, आप इससे और सरल नियम बताइए, आप इससे अच्छा, इससे कोई और सरल तरीका अपनाइए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि धनावेशित गोला या ऋणावेशित गोला धनावेशित गोले में धंसे रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप एक तरबूज ले लीजिए। उन्होंने रदरफोर्ड, उन्होंने बताया, थॉमसन ने बताया कि आप एक तरबूज ले लीजिए और उस तरबूज के जो लाल वाले भाग हैं उस लाल वाले भाग को आप मान लीजिए, तरबूज के लाल भाग को आप क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों, धनावेशित गोला। आप जब तरबूज लेते होंगे और तरबूज को काट दीजिए प्यारे बच्चों, तरबूज को काटने के बाद तरबूज में दो प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तरबूज के अंदर जो होता है लाल 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 का सब पेस्ट भरा रहता है प्यारे बच्चों, उस लाल रंग को आप क्या मान लीजिए, धनावेशित भाग। और जो बीज धसे होते हैं उन बीज को हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया कि परमाणु एक तरबूज जैसा होता है, यानी जिस प्रकार तरबूज के अंदर लाल भाग पूरा होता है, लाल भाग में जो है काले कलर के जो है वो बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने बोला कि परमाणु भी एक धनावेशित गोला होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की जैसा धसे होता है। तो लोगों ने कुछ मान लिया, तब लोगों को कुछ समझ में आया कि भैया इस प्रकार होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का तरबूजा मॉडल कहते हैं, तरबूजी मॉडल कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये थॉमसन का कौन सा मॉडल था, तरबूज मॉडल था। कौन सा मॉडल था प्यारे बच्चों, तरबूज मॉडल था। इन्होंने तरबूज के आधार पे परमाणु की व्याख्या करने का कोशिश किया था। क्या आपको भी समझ में आया प्यारे बच्चों? तो परंतु जब इन्होंने लास्ट में एक लाइन और बोला था, सबसे बढ़िया चीज ये बोला कि जब बोले कि सभी ऋणावेशित कण धनावेशित गोले में धसे होते हैं, तो उसी में इनकी तीसरी पॉइंट उन्होंने ये भी बोला था कि अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी परमाणु में, या दूसरे शब्द में बोले कि किसी भी परमाणु में जितने ऋणावेशित कण होते हैं उतने ही धनावेशित कण होते हैं। यानी अगर हम बोले जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन भी पाए जाएंगे। यही इनकी बात सबसे सही निकली थी प्यारे बच्चों, और इसी बात के लिए थॉमसन का हमको इज्जत भी करना चाहिए। थॉमसन बाबू केवल एक चीज सही बता के गए थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो सभी जो ये परमाणु होता है परमाणुओं में ऋणावेशित कण और धनावेशित कणों की संख्या समान होती है, यही केवल इनकी बात में दम था केवल। तो परमाणु में क्या होता है प्यारे बच्चों, परमाणु में धनावेशित कण, कौन सा कण, धनावेशित कण व धनावेशित कणों कण व ऋणावेशित कण व ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर होती है, कणों की संख्या बराबर होती है, कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यही है आपका रदरफोर्ड का बहुत ही दमदार बात, यही है भैया रदरफोर्ड का बहुत ही दमदार बात कि रदरफोर्ड नहीं थॉमसन, सॉरी रदरफोर्ड का नाम बहुत आ रहा है। तो परमाणु में धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है प्यारे बच्चों, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ध्यान से देखिएगा, ये इनकी बात थी, ये इनकी बात। अब उदासीन कैसे होगा, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा, इसलिए परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये चीज थी इनकी। परंतु लोगों ने ये बोला कि आप ये बताइए थॉमसन भैया, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बने हैं, तीनों से मिलकर बने हैं। आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थान बता दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिए कि बीज के जैसा धसे हैं, प्रोटॉन को बोल दिए कि धनावेशित वो भाग हो गए,
परंतु न्यूट्रॉन कहां गए? जब थॉमसन से पूछा गया, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी बता दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति बता दी, आखिर न्यूट्रॉन गया कहां? तो थॉमसन ये बात नहीं बता पाए प्यारे बच्चों, और थॉमसन ये बात बताने में विफल रहे, इसलिए इनका नियम भी विफल हो गया। तो ये बात आप ध्यान से देखिएगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का विफल होने का सबसे खास कारण क्या था, कि जब लोगों ने पूछा कि बताओ न्यूट्रॉन कहां पर पाया जाता है, तो नहीं बता पाए। तो लिख देंगे न्यूट्रॉन, क्या प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति न बताने के कारण, या न्यूट्रॉन की स्थिति न बता ले न बता न्यूट्रॉन की स्थिति की व्याख्या, स्थिति की व्याख्या इस मॉडल के अनुसार नहीं कर सकते, इस मॉडल के अनुसार नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह मॉडल विफल रहा। क्या रहा प्यारे बच्चों? विफल। इस प्रकार आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल समाप्त होता है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करने वाले हैं। तो गाइस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि इसे वास्तव में रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को नहीं किए थे, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले वो दो वैज्ञानिक किए थे, गीगर मार्सडन ने वास्तव में अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था वो, परंतु सभी लोग रदरफोर्ड का नाम इसलिए लेते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि जो गीगर और मार्सडन थे वो रदरफोर्ड का शिष्य थे। रदरफोर्ड के क्या थे प्यारे बच्चों? शिष्य थे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, गीगर और मार्सडन रदरफोर्ड के शिष्य थे, अर्थात रदरफोर्ड इन दोनों के टीचर लगते थे। तो रदरफोर्ड की निगरानी में, रदरफोर्ड के समक्ष में, रदरफोर्ड के उपस्थिति में ये दोनों प्रयोग किए थे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि इनको हम गीगर मार्सडन के प्रयोग के नाम से भी जानते हैं, और रदरफोर्ड की उपस्थिति में हुई थी इसलिए इनको कहा जाता है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के दौरान क्या बताया, कैसे प्रयोग किया, सारी चीजें हम आपको यहां बताने वाले हैं। परंतु उससे पहले आखिर इनके मन में ये विचार आया कहां से कि ये प्रयोग किया जाए? तो ये विचार कहां से आया था प्यारे बच्चों? जब ये बात पता चली कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो रदरफोर्ड या गीगर मार्सडन या तमाम प्रकार की व्यक्तियों ने सोचा कि यार परमाणु अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो क्या परमाणु को तोड़ा जाए या परमाणु को तोड़कर देखें कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, प्रोटॉन कहां पर है, न्यूट्रॉन कहां पर है? परंतु प्यारे बच्चों ये चीज संभव नहीं थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं कि अगर हम परमाणु को तोड़े तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां पर हमको दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने परमाणु के आकार की संरचना पता करने के लिए, परमाणु की आकार को जानने के लिए उन्होंने इस विचार की तुलना किया या इस प्रयोग के बारे में सोचा कि उनके विचार में ये आया कि सभी परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, एक छोटे 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 कण मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसी भी परमाणु पर उन्होंने क्या कराया प्यारे बच्चों, कुछ प्रयोग किया और जिससे कुछ उन्होंने निष्कर्ष दिया। आइए हम उन सभी चीजों को देखते हैं, परंतु सबसे पहले रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग समझेंगे, फिर उसके बाद उधर जो है उन्होंने प्रयोग क्या किया था, रिजल्ट क्या आया था, बहुत ही एकदम डीपली तरीके से एकदम आपको इधर दिखाते हुए उधर समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। पहले हम लोग उसका जो है डायग्राम बना लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया था। डायग्राम क्या था प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, एक स्वर्ण पन्नी ले लिए थे। क्या ले लिए थे प्यारे बच्चों? एक स्वर्ण पन्नी ले लिए थे, स्वर्ण पन्नी लिया था। अब स्वर्ण पन्नी में छोटे छोटे जो कण थे, छोटे छोटे जो अणु थे, वो आपस में क्या थे, एक दूसरे से मिलकर बने हुए थे। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था स्वर्ण की पन्नी। ठीक, क्या आपकी इतनी बात क्लियर हुई? ये उन्होंने क्या लिया था, स्वर्ण पन्नी। क्या लिया था? स्वर्ण पन्नी। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ,
अब आगे क्या हुआ, अब उन्होंने किस इसी स्वर्ण की पन्नी पर अल्फा कणों का क्या करा, बमबारी करा। अल्फा कण का मतलब होता है, आप ध्यान से देखिएगा, जो अल्फा कण होते हैं प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार का धनावेशित कण होता है, ध्यान से देखिएगा बस केवल। अब उन्होंने क्या करा, अब अल्फा कणों का जो बमबारी कराना था, तो अल्फा कणों की बमबारी कराने के लिए उन्होंने लेड, लेड मतलब होता है प्यारे बच्चों कांच की दो ईंट, कांच की दो ईंट के मदद से उसका बमबारी करा, क्योंकि जिससे कि अल्फा कण जो है बहुत खतरनाक होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको पार कर सकते, उसको क्षति पहुंचा सकते, इसलिए उन्होंने कांच की दो शीशों की दीवारों की मदद से अल्फा कणों का क्या कराया, बमबारी कराया। अब उन्होंने क्या किया कि मान लेते हैं कि ये कोई एक क्या था प्यारे बच्चों, एक अल्फा कण था, क्या था ये, कोई अल्फा कण था, ये अल्फा कण यहां से चल, ये क्या था, अल्फा कण था, ध्यान से देखिएगा। अब ये अल्फा कण इस लेड की दीवारों की मदद से इधर की तरफ गया, अब ये अल्फा कणों का बमबारी कराए, तो अल्फा कणों का बमबारी कराने के बाद ऐसे देखिए, एक अल्फा कण नहीं, कई अल्फा कण का बमबारी कराया गया था प्यारे बच्चों, और वो कई अल्फा कण कुछ इस प्रकार थे। उनको समझने के लिए हम इन लेड की ईंटों को थोड़ा सा और ऊपर लगाते हैं, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आए, ये लेड की ईंटें हो गए। उन्होंने एक नहीं कई अल्फा कणों का क्या कराया, बमबारी कराया, एक नहीं प्यारे बच्चों कई, पर बमबारी का मतलब होता बरसात, बमबारी का मतलब होता बरसात। उन्होंने स्वर्ण की पन्नियों पर अल्फा कणों की बौछार करा दिए, अल्फा कणों की बमबारी करा दिए। तो अल्फा कणों की जब बमबारी कराए, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण की पन्नियों से टकराने के बाद कुछ इस प्रकार मुड़ गए, और कुछ अल्फा कण जो हुए वो कुछ अल्फा कण जो है स्वर्ण की पन्नियों से टकराने के बाद वो सीधे निकल गए, क्या हो गए प्यारे बच्चों, कुछ अल्फा कण स्वर्ण की पन्नियों से टकराने के बाद क्या हो गए, सीधे निकल गए, अर्थात उनके रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु कुछ ऐसे अल्फा कण थे, कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो कि अपने रास्ते से क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे प्यारे बच्चों जो कि अपने रास्ते से क्या हो गए, विचलित हो गए। और कुछ कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से पुनः वापस लौट भी आए। कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे क्या हो गए, लौट के भी आ गए। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अभी हम आपको सारी चीज क्लियर करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौटकर चले आए। ध्यान से देखना, उन्होंने तीन प्रेक्षण किया था, तीन चीज उन्होंने किया था बस। रदरफोर्ड ने लेड की दीवारों की मदद से, लेड की ईंटों की मदद से प्यारे बच्चों उन्होंने अल्फा कणों का स्वर्ण पन्नियों पे बमबारी करा दिया, अल्फा कणों का स्वर्ण पन्नियों पे उन्होंने क्या करा दिया, बमबारी करा दिया। और बमबारी कराने के बाद देखा कि अल्फा कण जो होते हैं, अधिकांश अल्फा कण, आधा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण स्वर्ण की पन्नी को क्या कर गए, पार कर गए प्यारे बच्चों, स्वर्ण की पन्नियों को पार कर गए। और परंतु कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे, जैसे आप देखिए अल्फा वन अल्फा टू, यहां दो ठो आए हैं तो थोड़ा सा इनको हम लोग गैपिंग करते हैं, ये अल्फा तीन, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो तीन कण, तीन अल्फा कण है, ये तीनों अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। तो हम इन्हें कह सकते हैं विचलित, विचलित हो गए, क्या हो गए, विचलित हो गए, ध्यान से देखिएगा। और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये सीधे निकल गए प्यारे बच्चों, दो तीन प्रकार के रिजल्ट आए थे वहां पर, सीधे निकल गए, ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए ये वाले कण, ये देखिए यहां से अल्फा थ्री हो गए, अल्फा फोर, अल्फा फाइव, अल्फा सिक्स, ये देखिए ये तीनों जो कण हैं प्यारे बच्चों, ये तीनों कण सेम जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से क्या आए, लौट आए। तो इससे इन्होंने तीन निष्कर्ष निकाल दिए प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे उन्होंने तीन निष्कर्ष निकाला। वो तीन निष्कर्ष क्या था, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर हम दो कॉलम बनाएंगे प्यारे बच्चों, यहां पर दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे प्रेक्षण,
एक कॉलम में क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब ये कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया था और उसका निष्कर्ष क्या निकला था या उसका परिणाम क्या आया था, वो इधर लिख देते हैं ध्यान से। अब यहां पर सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहां लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने पहले परीक्षण में क्या किया था या रदरफोर्ड के पहला परीक्षण उन्होंने क्या देखा, प्रयोग करने के बाद उन्होंने पहला चीज क्या देखा था, फिर उसके बाद उन्होंने परमाणु के बारे में पहला परिणाम क्या दिए, वो ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने देखा कि जब हम लोगों ने क्या कराया प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने अल्फा कणों की बमबारी कराई, अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण की पन्नी को क्या कर गए, पार कर गए। ये तो ध्यान, अल्फा कणों का बमबारी कराने के बाद, अल्फा कणों का बमबारी कराने के बाद अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण की पन्नी को क्या कर गए, पार कर गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। तो प्यारे बच्चों इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब उन्होंने बमबारी कराया और अधिकांश अल्फा कण बाहर की तरफ निकल आए, तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब कैसे जान गए खोखला होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से ये जब कण चला तो इसको रोकने वाला, जो सीधे कण निकल गए उसको रोकने वाला कोई नहीं था, उसको परेशान करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अल्फा कण बिना किसी से बोले पूछे, बिना किसी से कुछ किए सीधे निकलता चला गया। अगर अल्फा कण को कोई रोकने वाला होता तो अल्फा कण में जरा सा विचलन होता है तो अल्फा कण क्या हो जाती, मुड़ जाती। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है प्यारे बच्चों कि अधिकांश जो अल्फा कण बमबारी कराने के बाद सीधे निकल गए थे, उससे इनका पहला परिणाम निकला कि परमाणु जो होता है अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो इनका सबसे पहला रिजल्ट आया था परमाणु का अधिकांश भाग क्या प्यारे बच्चों, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब ये रहा इनका पहला रिजल्ट, ये रहा प्यारे बच्चों इनका पहला रिजल्ट। अब उन्होंने सेकेंड परीक्षण में क्या देखा था, सेकेंड परीक्षण क्या था प्यारे बच्चों, कि कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो कि अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए थे, अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। तो ये भी लिखे, कुछ ऐसे अल्फा कण थे अपने मार्ग से विचलित हो गए थे, हो गए। तो प्यारे बच्चों जब कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, ये अल्फा कण यहां से चला था, यहां से चलते 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 जब ये स्वर्ण की पन्नी पे पहुंचा तो स्वर्ण की पन्नियों से ये टकराया, स्वर्ण की पन्नियों में उपस्थित कणों से टकराया, तो ये क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो यार सोचो, अल्फा कण खुद धनावेश है, अल्फा कण धनावेश है, तो धनावेश और ये स्वर्ण की पन्नी के अंदर पाया जाने वाला धनावेशित कण, अब ये जब धनावेशित कण क्या होगा कि धनावेशित कण इससे जब इसके पास से गुजरेगा तो ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसके कारण ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु के अंदर ऐसा कोई भूत बैठा है या ऐसा कोई धनावेश है जो कि अल्फा कण को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, जो कि अल्फा कण को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना दूसरा निष्कर्ष क्या बताया कि परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र में या परमाणु के केंद्रक में एक धनावेशित गोला है, ये उन्होंने बताया। परमाणु के अंदर धनावेशित गोला होता जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक, जिसे नाभिक, और नाभिक का आकार। तो यहां पर कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि अपने मार्ग से विचलित हो गए, तो उससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं एक धनावेशित गोला है जो कि अल्फा कण को क्या कर रहा है, विक्षेपित कर रहा है, अल्फा कण को विचलित कर रहा है प्यारे बच्चों। अब उनका जो तीसरा प्रेक्षण क्या आया वो ध्यान से देखिए, तीसरा प्रेक्षण क्या था, तीसरा प्रेक्षण ये था कि कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि टकराए और स्वयं जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग में वापस लौट। तो तीसरा प्रेक्षण क्या था प्यारे बच्चों कि कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे, इक्का दुक्का हजारों, दो हजारों, दस हजार, आठ हजार में से एक दो अल्फा कण ऐसे भी थे
जो कि जिस मार्ग से आते थे उसी मार्ग से वापस लौट जाते। एक दो कण, एक दो बदनसीब कण था जो कि बेचारा लौटता था, लौट जाता था वापस। तो इससे यह रिजल्ट निकलता है कि परमाणु के अंदर सारा जो धनावेशित भाग है वो एक सूक्ष्म जगह पे केंद्रित है, एक छोटे से जगह पे केंद्रित है, सभी जगह नहीं केंद्रित है, किसी एक जगह छोटे से जगह पे केंद्रित है। प्यारे परमाणु का समस्त धनावेश, समस्त धनावेश ठीक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसे नाभिक कहते हैं ठीक, जिसका आकार, जिसकी आकार 10^-15 मीटर कोटि होती है ठीक प्यारे बच्चों, और इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो 10^-10 मीटर होता है ठीक प्यारे बच्चों, नहीं जो आकार होता है वो 10^-10 मीटर होता है, और जो त्रिज्या होती है वो 10^-15 मीटर होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर देंगे। इस प्रकार आपका रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था या गीगर मार्सडन का जो प्रयोग था, वो उसका प्रयोग, उसका निष्कर्ष, उसका जो रिजल्ट था, वो सारा चीज आपके सामने पड़ा है प्यारे बच्चों। हाँ, एक बात और छूट रहा होगा कि जब ये सब सारी चीजें वो उन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो उस रिजल्ट से परमाणु की जो संरचना हुई वो क्या हो सकती है, तो परमाणु की संरचना कुछ ऐसे हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम परमाणु की संरचना के बारे में क्या समझ रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, ये कोई परमाणु हो गया, ये कोई क्या हो गया, परमाणु हो गया, और ये परमाणु के अंदर कोई क्या हो गया, धनावेशित गोला हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। ध्यान से देखिएगा, अब इस पे आप क्या कराएंगे, अल्फा कणों का क्या कराएंगे, बमबारी कराएंगे, इस पे आप अल्फा कणों का क्या कराएंगे, बमबारी कराएंगे, तो ये जो अल्फा कण है वो क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं जो कि क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं प्यारे बच्चों। ये सब आपने अल्फा कण का क्या कराया, बमबारी कराया, ये दोनों क्या है, अल्फा कण, तो ये अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे। परंतु कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी अल्फा कण हैं जो कि क्या होते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि अपने मार्ग से क्या हो जाते थे, विक्षेपित हो जाते थे ठीक, और कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो कि जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग से वापस लौट आते थे। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीन और ये चार, इन चारों कणों से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और ये जो पांचवा और ये छठा, पांचवा और छठा, उन्होंने क्या रिजल्ट बताया कि परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित गोला है, परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित भाग है। तो ये उन्होंने यहां रिजल्ट बताया कि भाई परमाणु के अंदर कोई धनावेशित भाग होता है। अब जो आपका ये सातवां जो था, सातवां क्या बताया कि परमाणु के अंदर जो है धनावेशित तो भाग है, परंतु वो अति सूक्ष्म, बहुत छोटे जगह पे केंद्रित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये परमाणु की संरचना था, ये अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग थे प्यारे बच्चों, ये इनके प्रेक्षण, वो इनके परिणाम। आई होप कि आज की आपकी ये जो क्लास थी वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में भी हम इनके आकार पे, नाभिक के आकार की आकलन करेंगे, कमियां की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उन सभी टॉपिकों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसी कारणवश हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कि आपको आज मैंने जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आपके एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होंगी अब इस टॉपिकों से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखें, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद।